के हेडलाइन के प्रायोजक हैं एशप्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। सदर सांसद बनने के बाद पहली बार डीएम से मिलने पहुंचे रवि किशन शुक्ला, खिलाई जीत की मिठाई। जिले की मूलभूत समस्याओं को कराया अवगत, कहा जनता की समस्याओं का होगा त्वरित निस्तारण। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में संपन्न हुई जिला परामर्शदात्री समिति एवं जिला स्तरीय पुनरीक्षण समिति की बैठक। डीएम ने कहा सभी पात्र कृषकों को केसीसी के से किया जाए सत्रित। बेसिक शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया बेसिक शिक्षा विभाग के विभिन्न योजनाओं की समीक्षा। स्कूलों में बच्चों के नामांकन बढ़ाने के दिए निर्देश। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में संपन्न हुई राजस्व प्रशासन और कर करेत्तर की मासिक समीक्षा बैठक। लक्ष्य के अनुसार शत प्रतिशत वसूली करने के दिए निर्देश। सांसद रवि किशन शुक्ला ने कहा जो सम्मान गोरखपुर ने दिया, योगी जी की सीट मंदिर में वापस आई। जीत जितनी बड़ी है उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी है। योगी जी के खड़ाओं को लेकर चल रहा हूँ। ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों को रंगमंच की सुविधा कराएंगे उपलब्ध। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में संपन्न हुई शांति व्यवस्था व अभियोजन समिति की बैठक। दिए आवश्यक दिशा निर्देश। अतिक्रमण और प्रतिबंधित पॉलिथीन के खिलाफ नगर निगम और जिला प्रशासन की संयुक्त टीम ने अभियान चलाकर लगाया जुर्माना, दी चेतावनी। राप्ती नगर विस्तार आवासीय योजना में मूलभूत समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर राप्ती नगर विस्तार आवासीय योजना आवंटित संघर्ष समिति ने किया GDAVCA से मुलाकात। GDAVCA ने कहा जल्द होगा समस्याओं का समाधान। सफाई व्यवस्था को सुदृढ़ रखने के लिए महापौर की अध्यक्षता में आयोजित हुई सफाई सुपरवाइजरों के साथ बैठक, लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस पर आयोजित हुआ जागरूकता कार्यक्रम। खाद्य सुरक्षा सबकी जिम्मेदारी, जो सुरक्षित नहीं वह खाद्य नहीं, दिलाई गई शपथ। 10 जून से शुरू हो रहे टीबी एक्टिव केस फाइंडिंग अभियान को सफल बनाने के लिए CMO की अध्यक्षता में चिकित्सकों के साथ आयोजित हुई कार्यशाला। गुरु अर्जुन देव की शहीदी पर्व पर नागरिकों में वितरित किया गया छबील व प्रसाद। नगर विधायक ने कहा हिंदू समाज के रक्षक के रूप में समर्पित समाज का किया निर्माण। और चौथे दिन भी जारी रहा मीटर रीडरों का कार्य बहिष्कार, किया प्रदर्शन, कहा BCITS कंपनी से हुए समझौतों का नहीं हो रहा पालन।